लॉकडाउन होने से छात्रों के करियर पर खासा असर पड़ा है। समस्तीपुर के फिजिक्स के शिक्षक नीरज भारद्वाज हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे आप छात्र एवं छात्राओं को फिजिक्स पढ़ाएंगे। 12वीं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वीडियो टीचिंग सिलेबस टॉपिक वाइज शुरू किए हैं। आप सभी छात्रों को फिजिक्स टॉपिक वाइज पढ़ने का मौका हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मिलेगा। वीडियो लेक्चर में होने वाले डॉट के लिए 9 मई शाम 5 बजे से फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगे आपके टीचर डॉट को क्लियर करने के लिए। एक अच्छी पहल है छात्रों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मानो सारा विश्व रुक सा गया है, थम सा गया है। ऐसा हम लोगों ने तो अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसा तो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था कि महीनों ट्यूशन सेंटर बंद हो सकते हैं, ट्रेन सेवा रद्द हो सकती है, फ्लाइट सर्विस स्टॉप की जा सकती है। ये सब तो अकल्पनीय बात है, लेकिन ये सब अभी आपके हमारे नजरों के सामने घट रहा है, तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। इस विश्व का जो सबसे शक्तिशाली और विकसित देश है, जहां के राजा इस वक्त ट्रंप हैं, वो देश सबसे ज्यादा परेशान है। तो हमारी आपकी क्या गिनती है? हमारा देश तो यूं भी गरीबों में गिनती होती है। दोस्तों, शायद हम लोग बहुत करीब से इस कोरोना के प्रभावों को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कभी कभी हम लोग पढ़ने पढ़ाने में भी बेचैन हो जाते हैं। दरअसल पढ़ना पढ़ाना ये सब तो विश्व के सामने इस वक्त तुच्छ बातें हैं। पता है, अमेरिका ने पूरा साल भर के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को स्टॉप कर दिया है। फिर आपका ये बार बार क्वेश्चन पूछना, सोचना, घबराना कि सर सिलेबस का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई क्या होगा, मेरा घबराना कि मेरा सिलेबस कैसे खत्म होगा, ये सब तो बकवास, बेबुनियाद बात है। फ्रेंड्स, इस वक्त जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम आपके स्वस्थ रहने की कामना करें। फ्रेंड्स, हम स्वस्थ रहें, हमारे स्वस्थ रहने की आप कामना करें। ये हमारा देश स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग का परम कर्तव्य है देश की सेवा करना, हमारे आला कमान के द्वारा दिए गए बातों का स अक्षर पालन करना, अपने घर में रहना। तो इसी में हम सबकी भलाई है। इस वक्त तो हम लोग को देश सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से और धन से। लेकिन मैं जब खुद के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो तन, धन और मन शायद हर तरह से कमजोर हूं, मुझसे क्या सेवा हो पाएगा। तो एक ही बात सामने आती है कि तुम टीचर हो, तुम थोड़ा बहुत पढ़ा तो सकते हो। हां, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो पढ़ाई होती है उसका तो कोई विकल्प ही नहीं हो सकता। लेकिन जहां घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है और हमारे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, तो उसका सदुपयोग करके इनडायरेक्ट एजुकेशन तो दिया जाना चाहिए।
और यही एजुकेशन अगर आप देंगे तो देश सेवा होगा। तो दोस्तों, देश सेवा मानकर ही हम अब आपके लिए पढ़ने की और पढ़ाने की बात करेंगे। इसलिए दोस्त, आप टेंशन मत लीजिएगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, एग्जाम कैसे होगा, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। फिजिक्स सिलेबस कंप्लीट करना मेरे हाथों में है, और जो चीज आपके बस में हो और काम करने की इच्छा हो तो उसके अच्छे तरीके से समाप्त न होने की तो कोई बात ही नहीं है, संदेह तो उसमें हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, इस वक्त जरूरत है कि हम और आप मिलकर अपना काम तो आज से करें ही, साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जो संभव हो सरकार के नियमों का पालन करते हुए वो करें। आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको सिलेबस से 100% रूबरू करवाएंगे और अगले लेक्चर से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, पढ़ाई शुरू कर तो रहे हैं लेकिन इसकी दो शर्तें होंगी। पहला, आपको वीडियो लेक्चर्स नियमित रूप से देखना होगा, फिर लापरवाही नहीं, फिर आलस नहीं। और दूसरा सबसे खास बात, माय डियर फ्रेंड्स, आप उस वीडियो लेक्चर्स सुनते देखते टाइम पे नोटबुक अपने पास रखेंगे और नोट्स एक एक करके बनाते चलेंगे अच्छे हैंडराइटिंग में, बहुत खूबसूरत तरीके से। और जहां दिक्कत होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेरा इस वक्त आपके लिए किया गया छोटा से छोटा काम बड़ा साबित हो, वरदान साबित हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अपने सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, इस सिलेबस का स्टडी करने के दौरान हम थ्योरिटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शंस का बहुत खास ध्यान रखेंगे। आपको किसी भी एंगल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ मित्रों, जिंदगी कभी कभी बहुत बड़े और कड़े इम्तिहान लेती है, और उस इम्तिहान का आप डट के सामना करते हैं तो सही मायने में आप अच्छे हैं, आप प्रतिभावान हैं, इसका सबूत देते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में सिलेबस को मैंने कई तरह से एक्सप्लेन किया है। पहले ब्रांच वाइज आपके 12th फिजिक्स जो 100 मार्क्स का है, उसमें 30 मार्क्स 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल है, उन्हें आप छोड़ दीजिए। 70 मार्क्स के थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो इसके मुख्य तीन ब्रांचेज हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, दूसरा लाइट प्रकाश, और तीसरा मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। इस पूरे 12th फिजिक्स सिलेबस के अंदर इन्हीं तीन ब्रांचेज का बहुत डिटेल्स स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसका सबसे पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतकी पढ़ना है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं,
हमने उसे 5 भागों में बांटा है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तीसरा चैप्टर गॉसेस लॉ, चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पांचवा कैपेसिटेंस। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। उसे हमने 3 टॉपिक में बांटा है। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, आवेश और उनके गुणों का अध्ययन करना है। दूसरे टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के वर्गीकरण का अध्ययन करना है, चालक कुचालक समझना है। और तीसरे टॉपिक में कूलम्स लॉ, कूलम के नियम की चर्चा करनी है। आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं एक छोटे से लाइन से कि जो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है इसका क्या मतलब। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो आवेश के लिए है और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। एक ऐसा ब्रांच आपके फिजिक्स का जिसमें आप या तो स्थिर आवेशों का अध्ययन करने वाले हैं या बहुत धीरे धीरे गति कर रहे आवेशों का अध्ययन करने वाले हैं, स्टेशनरी चार्जेज या स्लो मूविंग चार्जेज। हम अगले लेक्चर में अब डिटेल्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। आप बेहतरीन तरीके से इसे नोट कीजिए और पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कीजिए। ओके, गुड बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइंटिफिक फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत वेट करवाया हमने आपका, बट ये इंतजार की घड़ियां समाप्त हुआ। हम लोग देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। बस अब आप एक नोटबुक लेकर हमारे वीडियो लेक्चर्स के सामने बैठ जाइए। स्टेप 1, पहले लेक्चर को ध्यान से सुनिए। स्टेप 2, उसे समझिए, फील कीजिए, रटिए नहीं, रटाएंगे नहीं। और स्टेप 3, फिर उसका साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। और स्टेप 4, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप फीडबैक दीजिए कि आपने इस टॉपिक को कितना बढ़िया कर लिया या उस टॉपिक में अभी भी कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा लास्ट लेक्चर को हम लोग रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिलेबस दिया था, आप उसे नोट कर चुके हैं। तो सबसे पहला यूनिट आपको फिजिक्स में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतकी, ये हमारा यूनिट 1 है, पहली इकाई है। एनसीईआरटी के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर में डिवाइड करा गया है, बट वो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर आपको रिच कंटेंट चाहिए, डेप्थ में कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इसको कई छोटे छोटे चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हमने इसे 5 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, विद्युत आवेश तथा कूलम्ब का नियम। क्लियर है? अब इस चैप्टर का हम लोग जो आज से स्टडी शुरू करेंगे, इसको हमने 3 टॉपिक में बांटा है। ये सब बात हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
तो पहले टॉपिक का नाम है टॉपिक वन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, विद्युत आवेश तथा इसके गुण। तो आपकी एकदम शुरुआत हो रही है, पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वहीं से आपका पहला चैप्टर और उसका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आइए नोटबुक में आप नोट करना शुरू कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में क्या कहिएगा? स्थिर वैद्युत की परिभाषा। अब हम जैसे जैसे फ्रेंड्स बताते चलेंगे और लिखेंगे, बस वैसे वैसे ही लिखना है, सुनना है, समझना है। फर्स्ट पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड दो छोटे छोटे टर्म से मिलकर बना है, जिसमें एक टर्म आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो है और दूसरा टर्म स्टैटिक है। इलेक्ट्रो का यहां पर क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रो का यहां पर चार्ज मतलब है। हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या होता है। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब स्थिर। तो डियर फ्रेंड्स, इन टर्म्स से ही स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसको कहेंगे। कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वैसी शाखा है जिनमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। स्थिर आवेश का अध्ययन हम फिजिक्स के जिस शाखा में करते हैं, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट नंबर टू में, फिजिक्स की वैसी शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स की वैसी शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है,
इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे चार्ज है, इलेक्ट्रो चार्ज वर्ड के लिए इस्तेमाल किया गया है, और स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है, अरेस्ट होता है। तो हम फिजिक्स के ऐसे शाखा की बात कर रहे हैं जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा हम याद रख लेंगे, एक बार फिर सुनिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं। फिजिक्स की वैसी शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। पॉइंट वन, पॉइंट टू, अब इसी डेफिनेशन में हम पॉइंट नंबर थ्री की बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा ध्यान से देखना है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स, आवेश के लिए हम लोग क्यू सिंबल का यूज करते हैं, ये आवेश है। अभी हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे कि आवेश हम पे स्थित होता है, और हम स्थिर भी हो सकते हैं और गतिशील भी हो सकते हैं। तो अगर इस आवेश की बात करी जाए तो ये आवेश स्थिर हो सकता है, ये आवेश गतिशील हो सकता है, मतलब ये आवेश आपका रेस्ट में हो सकता है और ये आवेश आपका फ्रेंड्स मोशन में हो सकता है। जो कह रहे हैं उसको ठीक से सुनना है। और ये मोशन भी दो तरह का होता है, एक मोशन को हम लोग कहते हैं फास्ट मोशन और एक को कहते हैं स्लो मोशन। आप जब धीरे धीरे चलते हैं स्लो मोशन है, बहुत तेजी से चलते हैं फास्ट मोशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे फिजिक्स की वैसी शाखा है जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। आवेश स्थिर है तो इसका अध्ययन आप करेंगे फिजिक्स के जिस शाखा में, उसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी वस्तु स्लो मोशन में है, अगर आपका चार्ज स्लो मोशन में है, तो आप उस चार्ज का अध्ययन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही करते हैं। आप जब बहुत धीरे धीरे गति करते हैं तो वह गति आपके विराम में होने के समतुल्य ही है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा को थोड़ा सा विस्तार करके समझना चाहिए कि यह एक ऐसी शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन उन आवेशों का भी अध्ययन करते हैं जो बहुत धीरे धीरे गति कर रहे होते हैं। तो यह भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, मींस आप अपने फास्ट मोशन में जो चार्ज होंगे उनका अध्ययन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर नहीं कर सकिएगा। तो आगे आपको मिलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि फास्ट मोशन का अध्ययन हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को इलेक्ट्रो डायनामिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। तो इस वक्त हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और जो सेकेंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दूसरी इकाई, उसका नाम होगा इलेक्ट्रो डायनामिक्स, उसी को करेंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर थ्री का ये निष्कर्ष निकला कि हम फिजिक्स के ऐसी शाखा की बात कर रहे हैं जिसमें हम या तो स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे या स्लो मूविंग आवेश का अध्ययन करेंगे। ऐसी शाखा का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की।
फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट और हम लोगों को नोट करना चाहिए। क्या? पॉइंट नंबर 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे चार्ज के गुणों के बारे में, चार्ज फोर्स कैसे अप्लाई करता है, चार्ज का फील्ड क्या होता है, चार्ज की पोटेंशियल क्या होती है, मीन्स फोर्स फील्ड पोटेंशियल ETC का अध्ययन करते हैं। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज के फोर्स, फोर्स का मतलब बल, चार्ज के फील्ड, फील्ड का मतलब क्षेत्र, चार्ज के पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब फ्रेंड्स विभव। ये सब डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ETC का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज के फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, ETC का अध्ययन करते हैं। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं। अब लो इन शॉर्ट बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो हम लोग लिख देते हैं इन शॉर्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ गए, आपको इसे फील करना चाहिए, एकदम याद कर लेना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए, और नोट करने के बाद आगे के पॉइंट में आप मूव कीजिए। अब हम लोग ये इस वक्त डिस्कस किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके फिजिक्स की वैसी शाखा है जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आवेश होता क्या है, आवेश किसको कहते हैं, अब उसे समझिए। सुनने समझने में कोई दिक्कत हो आप हमसे व्हाट्सएप पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बोले या शॉर्ट में इसे चार्ज बोले, विद्युत आवेश। बहुत ठीक से सुनिएगा फ्रेंड्स, तीन जगह से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, पहला NCERT से, दूसरा M करीम से, और तीसरा हम जो DPP आपको दे चुके हैं या फिर जो हम देने वाले हैं, और एक एक करके सारे प्रॉब्लम और थ्योरी को आप समझ लेंगे तो ये क्लास आपको JEE मेन और नीट लेवल तक ले जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, फिर इसके पॉइंट नंबर 1 में आइए। इस दुनिया का निर्माण साइंटिफिक तरीके से बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि दो चीजों से हुआ है, मैटर से और एनर्जी से। मैटर का मतलब पदार्थ, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, यानी यह दुनिया पदार्थ और ऊर्जा का एक कंबिनेशन है। यह जो चौक हमारे हाथ में है यह पदार्थ है,
इसको आप रखेंगे तो थोड़ी जगह लेगा आपसे। यह इस क्लासरूम के अंदर हम जितना मन चाहे उतना चौक नहीं रख सकते हैं। एक चौक रख सकते हैं, हजार चौक रख सकते हैं, लाखों चौक रख सकते हैं, शायद करोड़ों पॉसिबल ना हो, जगह ना हो। ये पदार्थ है। और इस क्लासरूम में एक बल्ब जलाइए, उसकी रोशनी, हजार बल्ब जलाइए, उसकी रोशनी, लाखों बल्ब जला दीजिए, वो सारी रोशनी इस रूम के अंदर ही आती रहेगी। करोड़ों बल्ब जलाने के बाद भी उसको जगह की कमी नहीं पड़ेगी, उसको जगह की आवश्यकता ही नहीं है। रोशनी मतलब एनर्जी है। ये जो इस वक्त आपको हम दिख रहे हैं वह एक रोशनी के वजह से, वह एनर्जी है। तो हम जब दुनिया में किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो या तो हम किसी एनर्जी के गुणों का अध्ययन करते हैं या किसी पदार्थ के गुण का अध्ययन करते हैं। ये दुनिया दो चीजों से मिलकर बना, किससे? पदार्थ से और ऊर्जा से। तो हम जब किसी गुण का अध्ययन कर रहे होते हैं तो मुझे उसी समय ठीक से समझना चाहिए कि हम किसके गुण की बात कर रहे हैं, पदार्थ के गुण की बात कर रहे हैं या ऊर्जा के गुण की बात कर रहे हैं। तो हम किसी पदार्थ के गुण की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट में हम ये लिखना चाहेंगे कि आपका जो चार्ज है वो क्या है? एक गुण है। और ये गुण किसका है, पदार्थ का या ऊर्जा का? किसका? पदार्थ का गुण है। मैटर इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो अगर हम आवेश को इस वक्त परिभाषित करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम आवेश किसी पदार्थ के गुण को समझने जा रहे हैं, पदार्थ के एक गुण की बात करने जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये किस प्रकार का गुण है? तो कहते हैं यह जो गुण है वो दो काम करता है। कौन कौन काम करता है? देखिए, फर्स्ट, यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा यह इन क्षेत्रों का अनुभव भी करता है। फ्रेंड्स, लाइन तो सब लोग बोल देते हैं, आप उसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन कितनी छोटी बात है कि आप इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि अनुभव करने का क्या मतलब है। तो चार्ज गुण है एक पदार्थ का। चार्ज गुण है एक पदार्थ का। कैसा गुण है? यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा यह इन क्षेत्रों का अनुभव भी करता है। पहले तो हम आपको यह बतला दें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। इसे हम बहुत डिटेल्स से इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ये समझिए कि हम लोग हमेशा प्रकाश से अथवा किसी ना किसी रेडिएशन से घिरे होते हैं। इस प्रकाश को जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो फिजिक्स ने प्रकाश को समझने के लिए दो टर्म इंट्रोड्यूस किया है, विद्युत क्षेत्र और चुंबक के क्षेत्र। प्रकाश के बारे में आप आज से एक बात कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? तो यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक के क्षेत्र का एक कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशन है लाइट। लाइट इज नथिंग बट ए कंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और प्रकाश या उसके जैसे किसी भी रेडिएशन की बात करें हम,
तो हम हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से घिरे होते हैं। ये अपनी आंखों से दिखलाई नहीं देता, इसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, सीखते समझते जाएंगे। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस वक्त आपके यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो लेक्चर उपलब्ध हो पाया है। इसी YouTube पर हम लोग आपके क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से ही। व्हाट्सएप पे आप हमसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए पदार्थ के गुण की बात हम कर रहे हैं। तो कहेंगे कि चार्ज एक ऐसा गुण है किसी पदार्थ का जो अपने चारों तरफ विद्युत और चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है और इन क्षेत्रों का अनुभव भी करता है। अनुभव करने का क्या मतलब? फ्रेंड्स, किसी आदमी का पढ़ा लिखा होना उसका एक गुण है। सभी व्यक्ति हर समय हम बात करें तो उनमें दो तरह के गुण मौजूद हो सकते हैं। एक, वह आपको पढ़ा सकता है, और अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो वह कितना अच्छा पढ़ा रहा है उसका अनुभव भी कर सकता है वह। लेकिन मैंने कहा यह एक गुण आप में होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा भी सकता है, और अगर कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो उसका अनुभव भी कर सकता है। यह काम केवल पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है, और आदमी सब पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है। तो पहले मुझे उस आदमी को तलाशना है जो पढ़ा लिखा है। तो यह एक पदार्थ है, पदार्थ का एक गुण है आवेश। तो हमें पहले यह पता करना है कि इस वक्त यह पदार्थ आवेशित है या नहीं है, क्योंकि कोई भी पदार्थ हमेशा आवेशित नहीं होता। अभी सीखेंगे कि इसके आवेश होने का वजह क्या है। लेकिन अगर यह पदार्थ आवेशित है तो यह दोनों गुण इसमें दिखेंगे। यह विद्युत और चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न भी करेगा, और वहां पर किसी के द्वारा उत्पन्न हो चुका है तो उसके बारे में जांचेगा भी, परखेगा भी, अनुभव भी करेगा। तो अनुभव करना उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा तो सकता ही है, लेकिन कोई दूसरा पढ़ा रहा हो तो उसका पढ़ाई कैसा है उसका अनुभव करना स्वाभाविक है। तो आवेश एक गुण है किसी पदार्थ का। यह विद्युत तथा चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा यह इन क्षेत्रों का अनुभव भी करता है। अब इसी से हम लोग परिभाषा तैयार कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, परिभाषा। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा वह उनका अनुभव भी करता है। क्लियर है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है
जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा वह उनका अनुभव भी करता है। अब हम लोग ये जाने कि आवेश को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण आज क्या बताया जा रहा है, उसके उत्पत्ति का वजह क्या बताया जा रहा है, उसके लिए एक थ्योरी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश के उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसकी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश के उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, एक एक करके देखिए। पॉइंट वन, ये सिद्धांत कहता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, सूक्ष्म कण कह सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, ये थ्योरी क्या कहता है, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं, सूक्ष्म कणों से मिलके बने हुए हैं। यही थ्योरी कहता है कि आपका ये सूक्ष्म कण है कौन, तो प्रत्येक सूक्ष्म कण को परमाणु कहा गया है। परमाणु का मतलब एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलके बना हुआ है, प्रत्येक सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहते हैं। बात परमाणु की जाए, ये मान लीजिए आपका एक परमाणु है जिसका आकार लगभग गोली है। परमाणु के ठीक बीच में एक धन आवेशित हिस्सा होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें दो तरह के कण मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि आपके नाभिक के चारों ओर किसी लगभग वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, कक्षा है, पाथ है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये कौन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं। ये कौन है, ये आपके प्रोटॉन हैं। और ये कौन है, इसे आप कहिएगा न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है क्या, तो कहिएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको कहा गया है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब मौलिक कण।
मौलिक कण वैसे कण को कहा गया है जिस कणों से मिलकर परमाणु को बना हुआ मान लिया गया है, जिससे छोटे कण की बात नहीं की जा सकती है, जो स्वतंत्र है। ऐसे कणों को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कण कहते हैं। आपको ये बात यहीं पे याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से सूचित करेंगे, ये आपका ऋण आवेशित कण है, ये आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मान कितना होता है याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान कितना होता है याद रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। कूलम्ब को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आवेश की एसआई मात्रक है जो आगे सीखेंगे। और मैंने बता दिया कि चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मान है। मास इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻³⁹ kg। इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसे धन आवेशित कण कहा गया है। इस पर जो चार्ज का मान होता है उसको भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू सेम होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। लेकिन मास प्रोटॉन का अलग होता है, 1.673 × 10⁻²⁷ kg। और ये जो एक और कण है न्यूट्रॉन, फ्रेंड इसके लिए जीरो यूज करते हैं, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो। न्यूट्रॉन का मास आपको याद रखना चाहिए 1.675 × 10⁻²⁷ kg। तो आपका कोई भी जो परमाणु है वह मुख्य रूप से तीन कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। उसका मास 9.11 × 10⁻³⁹ kg। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन धन आवेशित कण, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इस पर चार्ज का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 × 10⁻²⁷ kg, 10⁻²⁷ kg। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है। उसका चार्ज, चार्ज को क्यू से सूचित कर सकते हैं हम, तो क्यू बराबर जीरो और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 1.675 × 10⁻²⁷ kg। देखिए मास प्रोटॉन का 1.67, ये क्या है 3, और ये है 1.675, 1.673, 1.675, बाकी सब पावर सेम ही है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कक्षा में घूमते रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद के किसी कक्षा में घूम रहे होते हैं। वह इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में घूम रहे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कक्षा को छोड़कर अन्य किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। आपके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल काम कर रहा होता है, लेकिन जो कण हमारे नाभिक से जितनी अधिक दूरी पर होगा आकर्षण बल उतना ही कमजोर होगा। तो वाहितम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का जो आकर्षण बल काम करता है वह उतनी मजबूती से काम नहीं करता जितनी मजबूती के साथ हमारा आकर्षण बल
कोर इलेक्ट्रॉन्स पर काम कर रहा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने परमाणु से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको हमारा नाभिक बहुत मजबूती से बांध के रखे हुए है। तो हम जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। हम जब भी इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही चर्चा करेंगे। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसका बिल्कुल मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे। वही इलेक्ट्रॉन आवेश का कारण बनने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के साथ इतने कमजोर तरीके से बंधा होता है कि इन्हें आसानी से परमाणु से बाहर निकाला जा सकता है, और अगर फिर निकल जाए तो फिर बाहर से डाला भी जा सकता है। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स का अपने परमाणु से आदान प्रदान संभव है। इस इलेक्ट्रॉन्स का परमाणु के द्वारा ग्रहण या त्याग किया जाना आसान है, पॉसिबल है। इसी इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के वजह से आप आवेश के वजह की बात करने वाले हैं, आवेश को परिभाषित करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम तीसरे पॉइंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये मान लीजिए फ्रेंड्स आपका सोडियम एटम है। सोडियम का सिंबल Na, इसका परमाणु संख्या 11। आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है। तो मुझे बतलाइए कि सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो कहिएगा 11 है। मुझे यह भी बतलाइए कि इसमें कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तथा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कितना है, तो यह भी कहिएगा 11 है। तो नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या 11 और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर तो निगेटिव चार्ज की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा, -11, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से सूचित किए हैं हम, तो 11E हो जाएगा। फिर इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी बात अगर हम करें, जो कि उसके प्रोटॉन के वजह से वहां पे दिखेगा, तो चार्ज हो जाएगा प्लस, और कितना प्रोटॉन 11, और प्रत्येक प्रोटॉन पे कितना चार्ज हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, ई से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ई लिख दीजिए। अब -11 और +11 दोनों को जोड़िएगा तो टोटल चार्ज आपके परमाणु का कितना हो जाएगा, 0। अगर परमाणु का टोटल चार्ज 0 है तो इसके लिए एक टर्म का यूज किया गया है, हम कहते हैं उदासीन। उदासीन को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, परमाणु को विद्युतीय रूप से उदासीन क्यों कहा जाता है? तो आंसर दीजिएगा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज का परिमाण एक समान होता है, अतः उसके कुल चार्ज 0 होने के कारण परमाणु को विद्युतीय रूप से उदासीन कहा जाता है। तो आप कह दीजिएगा इसका नेट चार्ज 0 है, सो द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यह विद्युतीय रूप से उदासीन है। तो आइए फ्रेंड्स,
चौथे पॉइंट में। यह एक वस्तु है, बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये कहता है, और प्रत्येक सूक्ष्म कण को परमाणु मानने को कहा गया है, यानी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, परमाणु एक, परमाणु दो, परमाणु तीन, ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं। ये कौन सा परमाणु है नहीं मालूम, हो सकता है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो फ्रेंड्स, आप तो जान चुके हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगा। इसमें हो सकता है कि 20 इलेक्ट्रॉन हो, तो डेफिनेटली यहां 20 प्रोटॉन भी होंगे। यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन हो तो यहां पे 100 प्रोटॉन भी होंगे। इसका मतलब है कि इस पदार्थ में हम निकाल लें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, 20, 30 और 100, 130 इलेक्ट्रॉन हुआ। और अगर हम निकाल लें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10, 20, 30 और 100, 130 प्रोटॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। जब आपके पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तब हम उसको कहते हैं कि यह पदार्थ इस वक्त सामान्य अवस्था में है। सामान्य अवस्था किसी पदार्थ के उस अवस्था को कहा गया है जिस अवस्था में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। और जब भी पदार्थ अपने सामान्य अवस्था में होता है तो इसका चार्ज क्या होता है, जीरो मत बोलिएगा, इसका टोटल चार्ज जीरो होता है। टोटल चार्ज, चार्ज तो है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब निगेटिव चार्ज, तो आपका निगेटिव चार्ज यहां पर है 130 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो यहां निगेटिव चार्ज भी मौजूद है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। बट निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, बट न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स, अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो मान लीजिए माइनस एक्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो मान लीजिए प्लस एक्स होगा ड्यू टू प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की बात करें तो चार्ज जीरो होगा। और इसको जब आप ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स तो ये दिखेगा टोटल चार्ज जीरो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वस्तु है आपका, ये वस्तु इस वक्त उदासीन है। तो किसी वस्तु को उदासीन कब कहा जाता है, जब उसका टोटल चार्ज जीरो होता है। किसी वस्तु को उदासीन कब कहा जाता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हम किसी वस्तु को उदासीन कब कहते हैं, जब आप उसे सामान्य अवस्था में मानते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वक्त हम और आप सामान्य अवस्था में हैं, जितनी चीजें हमें दिखलाई दे रही है वो सब सामान्य अवस्था में है। इसका मतलब उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कुल प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर है, इसका मतलब उसका टोटल चार्ज जीरो है। तो ऐसे वस्तु को हम उदासीन वस्तु कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं। तो आप क्या कह दीजिएगा, पांचवा पॉइंट, जब किसी वस्तु में कुल
कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है तो उस वस्तु को उदासीन कहा जाता है। यह उस वस्तु का सामान्य अवस्था होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसका एक सिंबल बना दीजिए, संकेत वस्तु की तरफ मान लीजिए और E बराबर P लिख दीजिए। जैसे ही E बराबर P लिख दें तो कह दीजिएगा ये कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात कर लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तो वो उसे उदासीन कहते हैं। टोटल चार्ज जीरो है तो चार्ज क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट अदर इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से निकाला जा सकता है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डाला जा सकता है। देखिए दोनों अवस्था में क्या होता है। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए, तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हुआ करता था, अब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो कम हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या से, एक ये कंडीशन बनेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाएगा फिर इस पर आपका जो टोटल चार्ज है वह जीरो नहीं मिलेगा आपको। टोटल चार्ज जीरो नहीं मिलने का मतलब यह वस्तु आपका आवेशित हो चुका है, इस पर आवेश उत्पन्न हो चुका है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो जितना इलेक्ट्रॉन है कुछ इलेक्ट्रॉन और मिलके प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में भी आपका जो टोटल चार्ज है वह जीरो नहीं रह सकेगा, मतलब यह वस्तु भी आपका आवेशित हो चुका है। तो किसी वस्तु के आवेशित होने का सिंपल सा मीनिंग है ये आवेशित वस्तुएं हैं। तो वस्तुओं को आवेशित कब देखा गया? जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तब देखा गया। कहीं से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के कमी को हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला करेंगे और इलेक्ट्रॉन के अधिकता को हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा करेंगे। तो कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन की कमी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, यह आवेश के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, यह आवेश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, मतलब किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का आना जाना शुरू हो जाए, किसी वजह से इलेक्ट्रॉन या तो किसी वस्तु में प्रवेश कर जाए या वहां से बाहर निकल जाए, कोई परमाणु उसका त्याग कर दे या ग्रहण कर ले, वस्तु हमारा आवेशित कहलाएगा। डियर फ्रेंड्स, आठवां पॉइंट में आइए। अब ये वस्तु
इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इन दोनों स्थितियों में आपने इसे आवेशित कहा था। आवेशित वस्तुएं किसको कहते हैं? तो कहिएगा, जब कोई न्यूट्रल बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है अथवा इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करता है, तो वह बॉडी आवेशित कहलाता है। ओके, नौवां पॉइंट। तो कंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट में। तो आप ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफर का मतलब आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का किसी वस्तु से त्याग करना या उसका ग्रहण करना हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो किसी भी तरीके से किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होने दीजिए या किसी भी तरह से वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने दीजिए, इन दोनों अवस्थाओं में आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे और वो वस्तु आवेशित हो जाएगा, मतलब चार्ज वहां पर डेवलप हो चुका है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स का संतुलन जब तक बना हुआ है तब तक वो आपका न्यूट्रल बॉडी है। संतुलन मतलब दोनों की मात्रा, दोनों का संख्या बराबर है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स का असंतुलन किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज्ड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस थ्योरी का नाम इसलिए तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी रखा गया है, क्योंकि यह सारा कारोबार इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है। दुनिया में कोई भी वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन का जैसे ही निकलना हुआ या इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश किया वह वस्तु आवेशित हो जाती है। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि तब आप आवेश को दो प्रकार का कह सकते हैं। कौन कौन प्रकार, ये देखिए। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब इंट्रोड्यूस किए थे, ये बतलाने जा रहे हैं। पहला था पॉजिटिव चार्ज,
और दूसरा है निगेटिव चार्ज। धन आवेश ऋण आवेश। अब समझते हैं धन आवेश क्या है। पॉजिटिव चार्ज, यह कोई बॉडी है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन लिखा हुआ है तो यह कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन बॉडी है। क्या हुआ कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, तो पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी कम हो गई और प्रोटॉन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मतलब लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया प्रोटॉन के नंबर से। और हमने कहा ये यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संतुलन बना हुआ है या संतुलन बिगड़ चुका है, मतलब ये उदासीन वस्तु है, ये आवेशित है, तो कब कहेंगे उसे धन आवेशित? देखिए यहां पर निगेटिव चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से कितना, तो मान लीजिए कि -10 कूलम्ब। एक बात, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है, उस चार्ज को उसके संख्या से गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के वजह से पता चल जाएगा। Q1, QE मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्ज, अब प्रोटॉन के वजह से निकालिए, प्लस प्रोटॉन की संख्या यहां पे ज्यादा है और चार्ज का मान दोनों पर समान होता है, तो मान लीजिए कि यहां चार्ज हो जाएगा 12 कूलम्ब, और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, तो बतलाइए इस वक्त आपका चार्ज यहां पे डेवलप हुआ कितना, तो चार्ज बराबर -10 और +12 कितना हो जाएगा, +2 कूलम्ब। इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज डेवलप हो चुका है वह 2 कूलम्ब का, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो फ्रेंड्स एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर चार्ज कौन सा डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव, और कितना चार्ज डेवलप होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना इसके अंदर बचा हुआ है और टोटल प्रोटॉन का चार्ज, दोनों को एड अप कीजिए, जितना बचेगा आपको वह टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर दिखेगा। तो क्या कह दीजिएगा आप, जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाता है, किसके वजह से, तो यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसको दर्शाता है, पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है, कितना वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका निगेटिव चार्ज। फ्रेंड्स ये है आपका न्यूट्रल बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होएगा। अब क्या हुआ कि किसी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंटर कर गए, इसने ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले जो इतना था इसमें कुछ और सरप्लस हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या से तो वह अधिक हो जाएगा, तो इस पर अब चार्ज निकालिए इलेक्ट्रॉन के वजह से, जितना भी होगा मान लीजिए -10 कूलम्ब, या कुछ एक्स्ट्रा आ गया यही हो गया -12 कूलम्ब, प्रोटॉन की संख्या जितनी थी उसके मुताबिक कुछ रह गया मान लीजिए +8 कूलम्ब, कुछ अपने मन से एज्यूम कर लिया गया है, तो टोटल चार्ज अब कितना बचेगा फ्रेंड्स, -4 कूलम्ब।
तो इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 4 कूलम चार्ज। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह बॉडी आपका ऋण आवेशित हो जाता है। कितना और कितने मैग्नीट्यूड का, ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां के पॉइंट नंबर 2 में लिख देना चाहिए, यहां क्या लिखा आपने, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो यहां क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता किसको दर्शाएगा, निगेटिव चार्ज को। ठीक, तो यहां पर भी एक कंक्लूजन बनता है कि यह एक बॉडी है जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो इसके दो विकल्प हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम हो जाएगा ये हो जाएगा धन आवेशित वस्तु, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा प्रोटॉन की संख्या से ये हो जाएगा ऋण आवेशित वस्तु। इस तरह से आपका चार्ज दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को कहते हैं निगेटिव चार्ज। ये आपका उदासीन वस्तु है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन समझ लिए, चार्ज का डेफिनेशन समझ लिए, चार्ज के ओरिजिन की बात समझ लिए कि चार्ज कहते किसको हैं, चार्ज किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, और टाइप्स ऑफ चार्ज की बात हम लोग कर लिए। अब इस लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, और हर लेक्चर के अंत में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिया करेंगे, और अगले लेक्चर में हम उसका आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आप पूरे क्लास का अध्ययन करने के बाद अपने से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। दे पाए तो समझिए कि आपने अच्छे तरीके से सुना। अब हम इस टॉपिक के बाद अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस नोट कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, धनावेशित वस्तु में होती है, ए न्यूट्रॉन्स की कमी, बी इलेक्ट्रॉन्स की कमी, सी प्रोटॉन्स की कमी, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये आपको सोच के रखना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, ऋण आवेशित वस्तु में होती है, ऋण आवेशित वस्तु में होती है, क्या होती है
ऑप्शंस सुनिए। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता प्रोटॉन्स की अधिकता इलेक्ट्रॉन्स की कमी प्रोटॉन्स की कमी। क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात होता है। यहां पर फ्रेंड्स संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, चार्ज और द्रव्यमान के अनुपात की बात कर रहे हैं। 1.77 × 10^11 चार्ज के लिए कूलम्ब और द्रव्यमान के लिए केजी, कूलम्ब पर केजी, आवेश बटा द्रव्यमान, कूलम्ब बटा केजी। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। और आखिरी क्वेश्चन मेरे दोस्त, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। किसी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ होता है उस वस्तु में ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कमी, बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता सी कोर इलेक्ट्रॉन्स की कमी कोर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। डियर स्टूडेंट्स, आप पूरा लेक्चर तैयार कीजिए, इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से सोच के रखिए। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको देंगे अगले दिन, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मुझे बतलाइए। और अगर अच्छा लगा, इससे आपको लाभ मिलेगा, हम इसे कंटिन्यू करें, तो आप जरूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग आपको इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ पढ़ाने की कोशिश किए हैं, ताकि आप घर पर बैठ के थोड़ी सी तो पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सके। हालांकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू हम लोग जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो फीलिंग तो क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन क्षति की पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको दिए हैं, आप उसे सुने भी हैं, समझे भी हैं, नोट्स भी तैयार किए हैं और टेस्ट भी दिए हैं। अब थोड़ा उसको बड़े स्तर पर हम ले जाना चाहते हैं, ताकि लग रहा है कि लॉकडाउन काफी दिनों तक रहेगा, आपका सिलेबस किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। इसमें समस्तीपुर का एक बहुत बड़ा चैनल मदद करने के लिए अग्रसर हुए हैं। डी न्यूज चैनल के जरिए हम लोग अब आपको एजुकेशन और उसके सराउंडिंग में जो भी काम है वो करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम डी न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए वह बहुत एक्साइटेड हुए हैं और बहुत मदद कर रहे हैं। अब आपको जो हमारा वीडियो लेक्चर्स है वह हमारे YouTube चैनल पे तो मिलेगा ही, डी न्यूज के YouTube चैनल पे भी मिलेगा। और इस वीडियो लेक्चर्स को जब आप देख रहे होते हैं तो शायद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते होंगे, तो हम उसका डाउट सेशन डी न्यूज के फेसबुक पेज पर प्रत्येक दिन लाइव देने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग में 5 बजे, ये 12th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक संख्या में आप डी न्यूज के फेसबुक पेज पर हमसे जुड़े और यूट्यूब पर जो अपलोड वीडियो किया गया है उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसका डिस्कशन करें। ये हमारे आपके बीच का डाउट सेशन होगा, जिसमें हम लोग आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इमीडिएट उसका हम आंसर देंगे। आप कल से मेरे साथ जुड़िए। बहुत धन्यवाद।